पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हैवी फ्लड्स, बार बार आ जाती ना, इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, मतलब काफी लोग, थाउजेंड्स लोग जो हैं, ठीक है, वो मतलब बेघर हो जा रहे हैं यहाँ पे। 50 schools कलेक्टिवली ऑफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्लेस, यानी कि जो स्कूल है ना, स्कूल में रहने की जगह तो होती है भाई, आराम से मतलब कोई रह सकता है वहाँ पे, काफी स्पेस होता है। तो स्कूल वालों को दया आ गई, तो उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि भैया हम 50 स्कूल जो हैं वो कलेक्टिवली ऑफर करते हैं आपको, प्रोवाइड द प्लेस एंड कैनवास फॉर 1500 टेंट्स, और 1500 टेंट भी फिक्स किए जाएंगे वहां पे, जगह जहां पे भी हो है, टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू द शेयर होल्ड एक्सपेंडिचर इक्वली, मतलब यहाँ पे स्कूल और गवर्नमेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये बात बोली गई है। 1500 टेंट ऐसे लेने हैं, ठीक है, और जो ईच टेंट है ना, उसमें सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट जो है वो सिलेंडर है, इतना रेडियस है और हाइट 3.5 है, और ऊपर कोन है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो कोन है, यानी मैं थोड़ा बना लेता हूँ, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, और कोन का देख लो क्या क्या दे रखा है आपको। सिलेंड्रिकल जो पार्ट है बेटा, उसका रेडियस है 2.8, रेडियस तो 2.8 ही है, और हाइट इसका है 3.5, और कोनिकल जो पार्ट है उसका आपके पास सेम रेडियस है बट हाइट इज 2.1, हाइट जरूर इसकी 2.1 है और रेडियस 2.8 ही है, रेडियस 2.8 ही है और हाइट 2.1 है। इफ कैनवास यूज टू मेक अ टेंट रुपीज इतने पर स्क्वायर मीटर, तो फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाई ईच स्कूल टू सेटअप द टेंट, मतलब इसमें ये बोला गया एक स्कूल के द्वारा कितना अमाउंट पे करना होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पहले इसमें जो टेंट बनाया जा रहा है उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो जब एक का सरफेस एरिया निकल आएगा तो ऐसे कितने टेंट बन रहे हैं, 1500, तो 1500 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और हमारी जो कॉस्ट है वो 120 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, यानी एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 120 रुपीज है, तो 120 का मल्टीप्लाई भी करना होगा कॉस्ट निकालने के लिए, समझ रहे हो। अगर हम बात करें, अगर मैं एक लाइन में सारा आंसर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, को अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट की बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ वन टेंट की अगर मैं बात करूं, एक टेंट की बात करूं, तो कितना होगा, वो होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, यही तो होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, यही तो होगा। सिलेंडर का सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, और कोन का सी एस ए होता है πr(l), ठीक है। अगर मैं यही सरफेस एरिया की बात करूं तो 1500 टेंट मुझे बनाने हैं, तो 1500 टेंट का सरफेस एरिया कितना होगा, इसमें मुझे 1500 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये जो हमारा सरफेस एरिया निकलेगा वो किसमें निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। तो अगर ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आया है, तो अगर हमें कॉस्ट निकालनी है, 120 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो कॉस्ट हमारी कितनी बनेगी, कॉस्ट हमारी बनेगी दिस इंटू, यानी 2 πr h प्लस का πr(l), ये 1500 टेंट की तो हमारे पास सरफेस एरिया आ चुकी है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, तो आपको फाइनली कॉस्ट ये मिल जाएगी। अब तुम्हारे पास ऐसे 50 स्कूल हैं, 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो तुम्हें पता लग जाएगा एक स्कूल का चार्ज कितना है, हालांकि ये अमाउंट पूरा आएगा तो गवर्नमेंट भी तो शेयर कर रही है बराबर बराबर। देखो यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ शुरुआत, कलेक्टिवली ऑफर द स्टेट गवर्नमेंट कैनवास 1500 टेंट टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू शेयर होल एक्सपेंडिचर इक्वली, यानी कि हमारा जो अमाउंट यहाँ से निकलेगा वो तो टोटल निकलेगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, भाई गवर्नमेंट को पता लग गया इतना इतना रुपए खर्च हो रहा है, तो फिर हाफ हाफ करेंगे ना, गवर्नमेंट देगी आधा, आधे स्कूल वाले देंगे, तो जो आधा पार्ट होगा उसमें 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 स्कूल दे रहे होंगे वो, तो हमें एक स्कूल का पता लग जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाई ईच स्कूल, यानी एक स्कूल से कितना अमाउंट जाएगा, तो पहले तो भाई ये हमें निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है।
पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको कैलकुलेशन बेटा एक साथ ही करनी है, ज्यादा सही रहता है। कई बार क्या हम अलग अलग निकालते हैं, तो फिर कई बार पॉइंट में जब आता है तो दिक्कत हो जाती है। अगर पॉइंट में नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉइंट में आ गया तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए इस बात को समझे कि आपको एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो एक तो चीज यहाँ पे देखें तो 2 पाई आर मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा कितना, नहीं 2 पाई नहीं मिलेगा कॉमन, सिर्फ पाई आर मिल रहा है कॉमन ना, तो यहाँ पे आएगा 2h, यहाँ पे आएगा l, और ये तो है ही 1500 और ये 12 120, ठीक है। सो रहे हो, तो यहाँ पे अब एल हमारे पास नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2.8 का स्क्वायर, ये 2.1 का स्क्वायर। जरा कमेंट सेक्शन में बता दो एल की कितनी आएगी, जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो सारे बच्चे, जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, जरा कमेंट सेक्शन में बता दो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ये तो 7.84 होता है और 2.1 का स्क्वायर कितना होता है, 4.41, कितना आ रहा है आपका, थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है, सही आ रहा है, 12.25 आएगा ये एल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करोगे तो आपकी एल की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी 3.5, एल आ जाएगा 3.5 स्क्वायर रूट करने पे। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई की रूट 22.7, रेडियस कितना है 2.8, 2 × h कितना है 3.5, एल हमारा कितना है, एल भी 3.5, क्या बात है, एच हमारा 3.5 ही था ना इस क्वेश्चन में, हाँ 3.5 ही था, × 1500 × 120, ठीक है। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन को एक साथ करना चाहूँ, मान लो ये सॉल्व अभी देख लेते हैं कितना आएगा ये फिलहाल कॉस्ट, ठीक है, तो और आसान कर दूँ जिससे और कैलकुलेशन कम हो जाए, कैसे, हमें पता है ये जो कॉस्ट है बेटा वो टोटल आ रही है, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट निकालना चाहूँ, अमाउंट बाई स्कूल्स, या बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ 50 स्कूल्स, मतलब 50 स्कूल मिलके कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 50 स्कूल मिलके, बताओ भाई। भाई देखो ये टोटल कॉस्ट आएगी, और स्कूल वाले और गवर्नमेंट बराबर बराबर दे रही है, तो स्कूल वालों कितना देना पड़ेगा, इस पूरे कॉस्ट का हाफ देना पड़ेगा, तो हाफ कर लो, और ये तुम्हारे पास है कितना 22.7। मैं अभी कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एक बार में मैं करूंगा सीधा सीधा, एक बार में मैं सॉल्व करूंगा, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो, इसलिए कि आपको ये कैलकुलेशन सिखानी है मुझे, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, × 1500 और × 120। अब अगर मुझे अमाउंट बाई अमाउंट ऑफ ईच स्कूल निकालना है, ईच स्कूल, तो सीधी सी बात है, अगर ये 50 स्कूल का अमाउंट है तो एक स्कूल का कितना होगा, 1/50 और हो जाएगा, 50 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी यही चलेगा। इससे फायदा ये होगा, अभी आपको समझ में आएगा इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा क्या होने वाला है अभी समझ में आपको आ जाएगा, बस इस स्टेप के बाद कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात जो है वो अब आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक साथ कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि ये कट जाएगा, देखो इससे कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 होता है, 30 आ जाएगा ये, समझ रहे हो, ठीक है, 2 से ये भी कट गया 15 आ गया, 7 × 4 = 28 होता है, 0.4 आ गया, देखो सब कटने लगा, यस और नो। तो अभी आपको लग रहा था कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, आपको लग रहा था कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन अब ये कितना आसान दिख रहा है, एक साथ कैलकुलेशन मार दी इसकी फटाफट, देखो कैसे आंसर आने वाला है। अगर मान लो मैं नहीं करता, अगर ऐसा तो क्या होता, आप पहले 1500 का मल्टीप्लाई कर रहे होते, बाद में 50 से डिवाइड कर रहे होते, इसमें देखो सीधा सीधा कट गया ना, हमारा काम कम हो गया। कितने बच्चे समझ गए मेरी बात, कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ गए मेरी बात, हाँ सर ऐसे करने से आसान हो रहा है, यस और नो, यस और नो में बता दो, यस और नो में जरा कमेंट सेक्शन में बता दो कितने बच्चे मेरी बात समझ चुके हैं कि हाँ सर ये सही है स्टेप। तो 22 × 0.4 ये आपका 7 आएगा, 7 में 3.8 आएगा, 3.5 आएगा, 15 × 120। जरा बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, अब जरा मल्टीप्लाई कर लो, अब जरा मल्टीप्लाई कर लो जरा फटाफट, क्या 1663, क्या 1663 20 आ गया आंसर,
चेक कर लें क्या 16320 आ रहा है, चेक कर लें सारे बच्चे क्या आपका आंसर 16320। हाँ ठीक है, तो ये आएगा ईच स्कूल का, ये आएगा इतना, मतलब इतना अमाउंट स्कूल वाले दे रहे होंगे और गवर्नमेंट वाले जो दे रहे होंगे वो डबल आ रहा होगा, मतलब ऐड कर लो इतना, ले हमें स्कूल का निकालना तो इतना ही आंसर होगा ठीक है, बाकी अगर गवर्नमेंट का भी निकालना है तो प्लस कर दो इतना ही, सेम अमाउंट मैंने तो सीधा हाफ कर लिया, आप सेम अमाउंट को ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा ठीक है। चलो बाकी इसमें और क्या पूछा गया था, एक तो आप डबल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें तो फिलहाल बोला था फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, स्कूल का पूछा गया तो स्कूल का तो हाफ करना पड़ेगा ठीक है, टोटल करना है तो गवर्नमेंट और स्कूल का तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बोला है स्कूल अथॉरिटी इज कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी, अच्छा ये तो आंसर ही लिखा है कि भैया क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, कि मतलब स्कूल अथॉरिटी कंसर्न कर रहे हैं भाई कि भाई बच्चे कोई किसी की डेथ ना हो कुछ ना हो सब बढ़िया से।